नमस्कार 24 फोर टी वी नेटवर्क पर आज फिर हम डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श, चर्चा ए शिक्षा एपिसोड को आगे ले जाते हुए एज यू ऑल नो डॉक्टर प्रभात कौशिक इज एन एजुकेशनिस्ट एंड वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद सी बी एस डॉक्टर लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे सिक्स टू एट के स्किल्स uh, के बारे में बात कर रहे थे नाउ आई वांट टू नो कि क्या स्किल्स सीबीएसई uh, ने जारी किया है फॉर नाइन्थ एंड टेंथ तो थैंक यू चित्रा जी आपने मुझे इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपने स्टूडियो uh, में बुलाया और uh, ये क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं है तो मैं समझता हूँ आपका चैनल हिंदुस्तान में पहला एक चैनल है जिसने इस पे कोई कार्यक्रम कार्यक्रम करने के बारे में सोची है पहला एक आप, आप आ, एट्थ का कर चुके हैं मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए जी। जी। मेल्स आए व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि दिस वॉज रिक्वायर्ड मैनी प्रिंसिपल्स इवन रोड टू मी के हमको ये नहीं पता था तो क्योंकि लॉकडाउन के बाद यदि कोई चीज आई है तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पता ना हो तो आपका शुक्रिया कि आप इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं you, तो उस दिन हमने बात की थी कि नाइन स्किल्स थे टू के जी बच्चों के लिए उन नाइन स्किल्स में से कोई भी एक स्किल बच्चा चूज कर सकता था अभी उन्होंने क्या किया पूरे स्कूल को तीन वर्गों में बांट दिया नाइन टू एट सिक्स टू एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो तीनों के लिए स्किल सेट्स भी डिफरेंट कर दिया हुँ, हुँ, तो अब जैसे हम सिक्स टू एट्थ की बात कर चुके हैं यदि मैं नाइन्थ एंड टेंथ की बात करता हूँ तो नाइन्थ एंड टेंथ में इन्होंने अठारह कुल अठारह स्किल सेट्स के कोर्सेज प्रपोज किए हैं उन कोर्सेज में आप आ, मैं यदि शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो आप जैसे रिटेल मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा ऑटोमोटिव पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है ब्यूटी एंड वेलनेस है एग्रीकल्चर है फूड प्रोडक्शन है फूड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन हैं बैंकिंग इंश्योरेंस हैं मार्केटिंग है uh, हेल्थ केयर है, है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं मल्टी है जैसे आपका कोर्स है तो आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस है जैसे हम six, seven, में देख रहे थे जी। इनसे उन्होंने जॉब रोल्स भी डिफाइन कर दिया अच्छा। अभी बच्चे को जैसे फॉर एग्जांपल वो रिटेल में जाता है तो वो स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट बन सकता है कितनी क्वालिफिकेशन के बाद केबल अच्छा अभी तक क्या हो रहा था कि टेंथ को कोई क्वालिफिकेशन हम मान ही नहीं रहे थे ट्वेल्थ कोई क्वालिफिकेशन होती ही नहीं थी तो बच्चे को कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाता था और वो कहता था मैं पास हूँ और मुझे कुछ आता है तो भी कोई इंडस्ट्री उसको लेने को तैयार नहीं थी अच्छा। अभी बोर्ड ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन वाला है जी। वो शेफ यदि नहीं बन सकता तो असिस्टेंट शेफ तो बन ही सकता है अभी जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस में है हो सकता है वो बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर ना बन सके बट सेल्स एग्जीक्यूटिव तो बन ही सकता है मतलब एक अश्योर हो गया कि लोअर क्वालिफिकेशन के साथ भी हमारा जो वर्कफोर्स होगा हमारे जो बच्चे होंगे उनको कोई रोजगार मिल सकेगा इसको भी उन्होंने उसी तरह से बांटा कि हंड्रेड मार्क्स का ये सब्जेक्ट होगा इसमें से बहुत अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया गया है फिफ्टी परसेंट की थ्योरी और फिफ्टी परसेंट का प्रैक्टिकल मतलब 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स की थ्योरी तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के प्रैक्टिकल लर्निंग पे इक्वल जोर दिया गया है थियोरिटिकल भी क्योंकि इन फील्ड्स में चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल में इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो उसको उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए कि उसको इन्वेंट्री मेंटेन करना आना चाहिए बिलिंग करना आना चाहिए सेल्स करना आना चाहिए ऑपरेशन देखना आना चाहिए जैसे एग्रीकल्चर को भी लिया गया है अभी तक किसान का बेटा अपने पापा से देख देख के सीखा करता था और कुछ कोर्सेज यदि थे भी तो वो एलेवन ट्वेल्थ के लेवल पे थे या बीएससी लेवल पे थे या थोड़ा और ऊपर थे बट वो जो प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल कोर्सेज कोई भी नहीं थे जहाँ छोटा बच्चा नाइन टेंथ में पढ़ने वाला बच्चा पापा के साथ मिल के कैसे वो हल चलाते हैं कैसे वो बीज डालते हैं वो सीखने के बजाय थियोरिटिकली hmm. किसी किताब से सीखे फिर उसको प्रैक्टिकल में सीखे hmm. तो शायद बेटर कर पाएगा तो उसको किसान का भी एक परिभाषा अलग की गई है और बोर्ड ने बहुत अच्छा एक काम और किया है कि इन कोर्सेज के लिए कोई फीस नहीं रखी है फीस कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं रखी है तो ना तो पेरेंट्स को फीस लगनी और ना ही स्कूल को फीस लगनी स्कूल भी कोर्सेज की फीस बोर्ड को देता है कई सारे कोर्सेज की तो इस कोर्स को फ्री रखा गया है तो स्कूल क्योंकि बोर्ड को पे नहीं कर रहा है तो स्कूल पेरेंट्स को भी चार्ज नहीं करेगा तो बच्चों को सीखने को मिलेगा और यहाँ भी चॉइस दी गई है नाइन टेंथ में कि बच्चा अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकता है uh, डॉक्टर यहाँ पे मैं एक और uh, आपसे पूछना चाहूंगी कि टू अगर हमने कोई कोर्स लिया सपोज मीडिया लिया है क्या जरूरी है कि नाइन uh टेंथ -huh. में भी मुझे मीडिया ही लेना है और डू आई हैव द ऑप्शन कि मैं बदल सकती हूँ अपना कोर्स बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा इसको बच्चों को क्लैरिटी इसमें आना बहुत जरूरी है uh -huh. और जितने भी बच्चे आपके देख रहे हैं मैं चा, चाहूंगा कि वो इसको जरा सीरियसली रिपीट uh, करके रिवाइंड करके सुने आपने सपोज मास मीडिया का कोर्स कर लिया सिक्स सेवन्थ एट्थ में और आप अब रिटेल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं आइडियली तो स्कूल आपको सजेस्ट करेगा कि आप मास मीडिया में ही अगले कोर्स में जाएं ताकि आपको एक्सपर्टीज आए हुँ, हुँ, आप बेटर सीख सकें मगर ऐसा सपोज नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं आया या कुछ नया स्किल आप सीखना चाहते हैं आप दो स्किल्स रखना चाहते हैं तो आप जब आगे ग्रेजुएट करेंगे नाइन्थ में तो आप जो आपका स्कूल ऑफर कर रहा है एक तो वो भी कंडीशन है कि स्कूल जो कोर्स ऑफर कर रहा है वो आपको मिलेगा दूसरा कंडीशन ये भी है कि आप अपनी चॉइस भी दे सकते, दे सकते हैं है। तो आइडियली प्रेफरेबल और मेरे सजेशन के हिसाब से बच्चे को उसी कोर्स पर रहना चाहिए जो उसने सिक्स सेवन्थ एथ में कर लिया ताकि नाइन टेंथ में पहुँचते पहुँचते उसका जो स्किल है वो फर्दर एनहांस हो जाए और इम्प्रूव हो जाए अब एलेवेंथ एंड ट्थ के कोर्सेज ऑल्सो एक आप जल्दी से रिकैप यू नो सो पीपल नो कि ये ये कोर्सेज़ है सारा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज डॉक्टर उसमें थर्टी सेवन कोर्सेज़ हैं बट शॉर्ट में जितनी जल्दी डॉक्टर साहब बता दें आप लोग सुन लीजिए एंड डॉक्टर ये क्या लिस्ट कहीं और uh, वेब पे किसी अवेलेबल uh, है तो वो भी हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि वो खुद जाके ये लिस्ट भी देख लें एंड ऑफकोर्स स्कूल्स भी देख लें प्रिंसिपल्स वगैरह वेरी गुड ये आपका अनदर गुड क्वेश्चन आपको आ, uh, ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है अच्छा स्कूल प्र, uh, के प्रिंसिपल्स तक पहुंच गया है सीबीएसई की वेबसाइट पे जो सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.nic.in इस वेबसाइट पे भी सर्कुलर्स में पड़ा हुआ है कोई भी पेरेंट्स कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल से मंगा सकते हैं और uh, कोई भी स्कूल आ, जैसे ही ऐसे सर्कुलर्स मिलते हैं सबसे पहले पेरेंट्स को शेयर करता है ताकि पेरेंट्स इन्फॉर्म हो जाएं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें तो जैसा हमने सिक्स सेवन्थ एथ की बात की थी नाइन कोर्सेज वहाँ थे नाइन्थ और टेंथ में एटीन कोर्सेज हैं और जो आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं इसमें सरकार ने थर्टी कोर्सेज ऑफर किए हैं इन थर्टी एट कोर्सेज में फिर वही कई चीजों का रिपीटेशन है जैसे आप नाइन रिटेल मैनेजमेंट कर रहे थे आपको यहाँ भी रिटेल मैनेजमेंट मिलेगा आप मल्टी uh, मीडिया कर रहे थे वो भी मिलेगा हेल्थ केयर भी मिलेगा बैंकिंग भी मिलेगा फ्रंट ऑफिस जॉब भी मिलेगा आप जो जो कुछ कर रहे थे वो सब आपको यहाँ भी मिलेगा ये एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस कोर्सेज है और उसका एक बेटर वर्जन uh, है हायर वर्जन है जैसे कि आपको ज्यादा सीखने को मिल सके और आप एक्सपर्टीज के लेवल तक पहुंच सकें मैं बच्चों से सबसे ये कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से भी सबसे ये कहना चाहूँगा इस स्किल सेट को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी देश में देखिए जितनी डिग्रीज के पहाड़ हमारे बच्चे बनाते हैं उतने कहीं किसी भी देश में नहीं बनाते नहीं क्योंकि दूसरे देशों में क्या होता है कि सबसे पहले जोर होता है किसी एक स्किल पर मेरे पास एक स्किल आ जाए और उसके बाद मैं हायर पढ़ सकता हूँ तो वो पढ़ता चला जाए यदि नहीं पढ़ सकता ऐसी नहीं है नहीं। तो जो स्किल एट हैंड है उसी को शार्प करे और उसी में अपनी लाइफ की जीविका कमाए तो जैसे आप यूएस में देखें तो आ, वाइट कॉलर जॉब वाला जितना कमा रहा है उतना ही ब्लू कॉलर जॉब वाला भी कमा रहा है है ना तो तो वो वो स्किल्ड पर्सन कमा रहा है तो स्किल्ड की नीड हमेशा हर एक कंट्री में रहती है हिंदुस्तान में हमारे पास मौका है जैसे चाइना ने किया अपने पूरे पॉपुलेशन को एक बड़े ही तरीके से उन्होंने काम पे लगाया हमारे पास बहुत बड़ा मौका है 130 करोड़ लोगों का को एक रास्ता दिखाने का और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करने का जैसे हमारे गणेश जी चाइना में बनते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे गणेश जी दिवाली पर हिंदुस्तान तो में बने हाँ हमारे लोग बनाना सीखें वहाँ घर घर में इंडस्ट्री है हमारे यहाँ भी घर घर में इंडस्ट्री हो और हर चीज हमारी अपनी बने तो हमारा जो फॉरेन आउटगो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बचेगा प्लस हमारे लोगों को नहीं। नहीं। रोजगार मिलेगा अब इसमें जो ट्वेल्थ के कोर्सेज हैं मैं कुछ कोर्सेज आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ जैसे टैक्सेशन है इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना अच्छे अच्छों को करा जाते हैं तो एक ट्वेल्थ का बच्चा टैक्सेशन टीआरपी बन सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स वो हम यहाँ स्कूल में पढ़ा के उसको तैयार करेंगे ये सरकार की भी स्कीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी टीआरपी करके एक स्कीम चलाता है आ, ऐसे ही ए, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है ऑफिस प्रोसीजर्स है, हैं शॉर्ट हैंड है हिंदी एंड इंग्लिश की आपके एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के मेंटेनेंस हैं टूरिज्म है एग्रीकल्चर है यहाँ भी आप मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में जा सकते हैं यहीं से कोर्स करके आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जा सकते हैं आप सेल्समैन बन सकते हैं आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर जो जिसको एन टी कहते थे नर्सरी ट्रेन टीचर्स वो यहाँ से तैयार हो सकते हैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन ऊपर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कोर्स जो नया ऐड किया है सरकार ने इसी साल वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्सेज को करके बच्चा रेडी जॉब रेडी हो सकता है और यहाँ उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है बोर्ड ने यहाँ क्या किया है थ्योरी को सिक्सटी मार्क्स में दिया है कुछ कोर्सेज में सेवेंटी मार्क्स में दिया है अच्छा। कुछ कोर्सेज में फिफ्टी मार्क्स में दिया है और फिर उसी के प्रपोर्शन में प्रैक्टिकल को दिया है।, है जैसे जिसमें थ्योरी साठ मार्क्स की है वहाँ प्रैक्टिकल चालीस मार्क्स का है तो यहाँ जोर इस बात पे दिया गया है कि बच्चा नॉलेज गेन करे स्किल तो उसने पीछे ले ली है अब नॉलेज गेन करे और नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल को शार्प करे जी, जी। डॉक्टर ये बताइए कि अब जैसे आ, किसी ने वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स लिया सो आर दे एलिजिबल कि वो ट्वेल्थ के बाद ही कोई स्कूल को ज्वाइन uh, मतलब प्री नर्सरी स्कूल को या नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे टीच uh, करना शुरू कर दे या फिर दे हैव टू नेसेसरली बी अ ग्रेजुएट देखिए जहां तक नर्सरी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोलते हैं उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सवाल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये जो कोर्स मैंने अभी आपको बताया इस कोर्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सो दे आर नॉट टीचर्स बेसिकली दे आर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोफेशनल्स इन एजुकेशन सो इनके साथ एक टीचर तो रहेगा मगर हाँ एक टीचर तो रहेगा मगर जो एक असिस्टेंट टीचर की भूमिका जरूरत पड़ती है वो, वो सब जैसे सारे टीचिंग एड्स बनाना सारे क्लास को तैयार करना बच्चों की अटेंडेंस लेना बच्चों के हाइजीन चेक करना बच्चों को खाना खिलाना चेक करना बच्चों के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को सुपरवाइज करना बहुत सारे काम कर सकते हैं teachers, so, जो एक आध कोर्स हैं जैसे आपने अभी बताया बैंकिंग वगैरह से so वो नौकरी कर सकते yes, के बाद? ये सरकार की क्वालिफिकेशन है इसके बाद उसकी कमेंसोरेट टू विल गेट जॉब एंड uh, uh, आज हर एक इंडस्ट्री स्किल्ड लोगों की तरफ ज़्यादा यू नो बहुत ज्यादा देख रही है कि हमें स्किल्ड लोग मिले क्वालिफिकेशन हैज नॉट पेड यू नो ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आ, आए दिन इंटरव्यूज में करता हूँ कॉरपोरेट uh, में भी और स्कूल्स uh, में भी तो मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ कि क्वालिफिकेशन में तो पी है और उसको कह दिया जाए कि एक एप्लीकेशन लिख दो तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाता ये बड़ा अनफॉर्चुनेट यू नो पार्ट है हमारे समाज का बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी और उस, उस जिसने इतनी क्वालिफिकेशन लिया उसको ये भी सोचना चाहिए कि उस क्वालिफिकेशन पे जो खर्चा आया है वो उसका अकेले का नहीं है उसमें सरकार की भी सहभागिता है उसमें आपकी भी सहभागिता है मेरी भी सहभागिता है हमारे टैक्सेस से ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनते हैं तो वहाँ आप पढ़ के निकले हैं तो कम से कम इतना तो हो कि जो पढ़ाई आपने की है वो आपके काम की हो और आपके काम की हो उसके साथ साथ जहां आप काम करने जा रहे हैं उसके काम की हो ताकि आपको जॉब मिल सके सो so, डॉक्टर uh, इसके बाद uh, जैसे इंडिया में और uh, खास करके यहाँ पे यू uh, नो you know, अगर किसी को कोई पढ़ाई करनी है तो जनरली दो सेक्टर्स हैं एक चाहे आप डॉक्टर बनिए या आप इंजीनियर बनिए बट ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी एलिजिबल उसमें तो uh, आप क्या हायर स्टडीज आपको कैसे लगता है आई मीन हाउ आर यू गोइंग टू सी कि अगर ये कोर्सेज अब आ जाएंगे तो हायर स्टडीज की वैल्यू कम हो जाएगी या वॉट uh, ऐसा मानता हूं हायर एजुकेशन की वैल्यू uh -huh. उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहनी चाहिए जी. और रहेगी भी नॉट एवरी वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग और इंजीनियर अ चार्ट अकाउंटेंट बट ही शुड बिकम वॉट ही ऐसा नहीं कि उसमें गुण तो नहीं है आर्किटेक्ट बनने के लिए वो पूरी जिंदगी आर्किटेक्ट की तैयारी कर, करने में निकाल दे और हाथ में कुछ भी ना रहे तो वो गलत है इसलिए ये स्किल सेट्स लाए गए कि कोई बात नहीं है आपको ये तो कर लो ये कर लेने के बाद में जो आपको आगे देखता है कि मैं आगे जा सकता हूं आगे जाने से सरकार किसी को नहीं रोक रही हायर एजुकेशन से कोई किसी को नहीं रोक रहा आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं बट आप उसी फील्ड में यदि हायर एजुकेशन लेंगे तो आपको ग्रोथ अपने करियर में बेटर मिलेगी और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन आप ज्यादा कर पाएंगे और देश के ऊपर एक बेरोजगार वाली लाइबिलिटी आप नहीं बनेंगे एक लास्ट चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो बिल्कुण, ये हमारे स्टूडेंट्स और स्कूल्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होगा स्कीम ऑफ स्टडीज क्या होगा उसको भी बोर्ड ने बड़े आसानी से डिफाइन कर दिया है जैसे आपके पांच सब्जेक्ट्स होंगे पांच सब्जेक्ट्स में दो दो लैंग्वेजेस होती हैं एक साइंस हो गया एक मैथमेटिक्स हो गया एक सोशल साइंस हो गया मैं ये नाइन टेंथ की बात कर रहा हूँ ये तो सब्जेक्ट्स हो गए अब आपको कोई एक स्किल सब्जेक्ट और लेना होगा जो छठवां सब्जेक्ट होगा जिसको वो एडिशनल सब्जेक्ट कह रहे हैं तो आपके पास चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स फाइव की जगह सिक्स हो गया और एक सब्जेक्ट उसमें स्किल सब्जेक्ट हो गया दो लैंग्वेजेज हो गई तीन मेन सब्जेक्ट्स हो गए और एक स्किल सब्जेक्ट हो गया इस तरीके से नाइन्थ एंड टेंथ के बच्चों को सब्जेक्ट्स का एलोकेशन अभी स्कूल खुलने पर होना चाहिए आ, तो डॉक्टर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तरीका जो एजुकेशन का है इट इज़ फार टू बेटर than जो प्रीवियस एजुकेशन जिस तरह से हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं आप कैसे कंपेयर करेंगे कि इज़ दिस अ बेटर वे एंड मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे है ये तरीका जो अभी इंट्रोड्यूस किया है चित्रा जी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे टाइम पे जो शिक्षा का तरीका था वो ये था कि हमने पहले ट्वेल्थ कर लिया सबसे पहले हमारा एम होता था हम किसी तरह से ट्वेल्थ हो जाए ट्वेल्थ कर लिया अब उसके बाद क्या करें किसी ने कहा बी कर लो बी कर लो बी कर लो हाँ तो बहुत रहे कम रहे लोग ऐसे होते थे जिनको उस समय नॉलेज होती थी कि डॉक्टर भी बनना है इंजीनियर भी बनना है या कुछ बनना है तो वो लोग उधर चले जाते थे बचे हुए लोग नॉर्मल ग्रेजुएट कोर्सेज में जाते थे Thank अब बीएससी कर लिया तो क्या करूं किसी ने कहा बीएड कर लो तो टीचर बन जाओगे है ना बीकॉम किया है तो अब तुम सी में जा सकते हो ये कर सकते हो वो कर सकते हो तो बी कर लो तो इसी तरह से मतलब होता था और फिर बी भी हो गया सपोज या बी भी हो गया उसके बाद कोई जॉब तो मिला नहीं जब जॉब नहीं मिला तो सोचा कि चलो क्यों ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो हमने एमएससी कर लिया उसके बाद भी जॉब नहीं मिला तो सोचा चलो एम या पी कर लेते हैं तो आपके देश में मैं समझता हूँ यदि गिनने निकले हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीएचडीज आपके देश में निकलेंगे और वो पीएचडीज कौन से हैं जो खाली बैठे थे जिनको जॉब नहीं मिल रहा था इसलिए पीएचडी की गई तो मैं समझता हूँ अब की सिचुएशन में फर्क आएगा कि जो ऐसे ही जिसको गिरते पढ़ते बड़ी मुश्किल से जिसने ट्वेल्थ किया उसको अब बीएससी या बीए या बीकॉम करने की आवश्यकता नहीं होगी वो ये टेक्निकल हैंड बन सकेगा और टेक्निकल हैंड बन के अपनी जीविका कमा सकेगा तो हायर एजुकेशन पर प्रेशर भी कम आएगा और जो उस लायक हैं जिनको वहां जाना चाहिए वही लोग आशा करता हूँ वहाँ जाएंगे चलिए डॉक्टर थैंक यू सो मच एंड ये बहुत ही आई एम sure, श्योर हमारे श्रोता खास करके स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स जो सुन रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहे होंगे और आप लोग सी बी एस ई के वेबसाइट पर भी जाके सारे डिटेल्स और सारा लिस्ट निकाल सकते हैं हम लोग ने थोड़ा सा ये चर्चा को शॉर्ट बनाने के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात किए लेकिन आप पूरा लिस्ट सिक्स टू ट्वेल्थ आप देख सकते हैं ये तीन हिस्से में बटा हुआ है सिक्स टू एट इज़ वन ग्रुप नाइन टेंथ इज अनदर ग्रुप एंड एलेवेंथ ट्वेल्थ इज इज़ थर्ड ग्रुप तो आप लोग प्लीज़ जरूर अपने वेबसाइट पे जाके देखिए इसी के साथ हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर और आप लोग अपने घर में बने रहिए आप अंदर हैं तो करोना बाहर है और हमें देखते रहिए सुनते रहिए यह एपिसोड भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आप ज़रूर हमारे एफएम पे ये प्रोग्राम भी सुनिए और हमारे चैनल पे ये प्रोग्राम भी देखिए धन्यवाद